पार्टी के चलाए असहयोग आंदोलन में गांधी जी का पूरा साथ दिया था। पंजी की याद में कोसानी में एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जहां उनकी यादगार चीजों के साथ ही साथ उनकी लिखी कविताएं भी रखी गई हैं। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति से बेहद लगाव था, उनका ये प्यार उनकी कविताओं में भी साफ झलकता है। कन्नौज में पुलिस ने दो सातिर मूर्ति चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन दोनों चोरों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने बेहद ही कीमती अष्टधातु की मूर्ति बरामद की। पुलिस के मुताबिक ये चोर इस मूर्ति को अहमदाबाद से चुरा कर लाए थे। फिलहाल इनका सरगना फरार है, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि ये दोनों चोर लंबे अरसे से मूर्ति चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। ये दोनों ही आरोपी कन्नौज के रहने वाले हैं। राजधानी लखनऊ में जैन समाज के लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया। दरअसल 17 अगस्त को राजधानी में हुई हिंसा के दौरान भगवान महावीर की मूर्ति तोड़ दी गई थी। इस घटना से नाराज जैन समाज के लोगों ने आज धरना प्रदर्शन निकाला और सड़कों को जाम किया। जैन समुदाय के लोगों की मांग है कि 48 घंटों के अंदर महावीर जी की मूर्ति को ठीक किया जाए, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैन समुदाय के लोग काफी नाराज हैं। इस वजह से अगले मंगलवार को पूरे देश भर में एक साथ धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। लखनऊ के कई इलाकों में तैनात किए गए पुलिस बल, लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। लखनऊ में जुमे के नमाज के बाद हुए उपद्रव के बाद अब सरकार उन उपद्रवियों को सजा दिलाने में कायदे में जुट गई है। लखनऊ के नए DIG नवनीत सहगल ने पत्रकार से बातचीत के दौरान बताया कि उपद्रवियों से ज्यादातर पर कम उम्र के युवा थे, जिनके तस्वीर मीडिया के माध्यम से भारी तादाद में उन तक पहुंची है। ये बात भी साफ करती है कि उपद्रव करने वाले चाहे जो भी शामिल हो, सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। और इस पूरे बवाल के बाद डीआईजी साहब का कहना है कि पुलिस इस बार किसी भी घटना के लिए तैयार है। संवेदनशील इलाकों में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं, साथ में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है।
एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की, आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम, एट क्वांटम, एट क्वांटम, क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी। और लौकी सुन के भागना मत, आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया, और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? करेले के, करेला स्पेशल बना, दिखाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। India's largest university with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी, उत्तराखंड। शकजादे हैं जितने फसानों में, मिलते हैं कहां अब जहानों में। शकजादे, 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 शकजादे। नमस्कार, मैं हूं अमित रावत और आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बताने वाले हैं जो डर के साए में लिखी गई। जी हां, पहले प्यार हुआ, फिर इकरार हुआ, और इसके बाद परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ दोनों की शादी भी हुई। लेकिन शादी के बाद प्रेमी जोड़े पर आफत के काले बादल मंडरा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के बाद प्रेमी जोड़े की जान पर बनाई है, हम आपको आगे बताएंगे इस प्रोग्राम इशकजादे में। इशकजादे हैं जितने फसानों में, मिलते हैं कहां अब जहानों में।
इशकजादे 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 इशकजादे। मथुरा में एक प्रेमी जोड़े को अपनी जान का खतरा सता रहा है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ एक दूसरे से शादी कर ली। ये हैं राहुल और निधि। हाल ही में दोनों शादी के अटूट बंधन में बंधे हैं, लेकिन जहां शादी के बाद नवविवाहित जोड़ा सारे दुखों से दूर अपनी सुखी गृहस्थी के सपने संजोता है, वहीं इन दोनों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी के बाद इन दोनों की जान पर बनाई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इनके परिवार वाले ही इनकी जान के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की। हम लोगों को इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि ये एससी के और मैं जनरल हूँ, तो मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि मेरी नीच जात में शादी हो, और हम लोगों ने इसलिए भागकर शादी की क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे किसी वक्त से शादी करवा देते जनवरी में, मतलब तो जल्दी ही शादी करवा देते, और मेरी पढ़ाई भी उन्होंने इसीलिए छुड़वा दी थी। राहुल और निधि एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अलग अलग जाति बिरादरी के होने की वजह से इनके परिवार वालों को दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था। इतना ही नहीं, जब निधि के घर वालों को राहुल के बारे में पता चला तो उन्होंने निधि की पढ़ाई तक छुड़वा दी और उसे जान से मारने की धमकी भी देने लगे। इस बात से परेशान होकर निधि राहुल के पास चली आई और दोनों ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली। अब इन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और इस शादीशुदा जोड़े ने सुरक्षा के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। मेरे को परेशानी ये है कि हमने करीब 3 महीने पहले शादी किया है अपनी मर्जी से। मैं शेड्यूल कास्ट में आता हूँ और ये जनरल में आती है, तो इस कारण से इनके घर वाले हमारी हत्या करने के लिए कहीं भी तलाश कर रहे हैं, जगह जगह तलाश कर रहे हैं। हमने काफ़ी कोशिश की है कि पुलिस से कांटेक्ट किया जाए, काफ़ी एप्लीकेशन भी लगा दिए हैं, पुलिस में कोई हेल्प नहीं की पुलिस ने। इन दोनों ने ये सोचकर शादी की थी कि शादी कर लेने के बाद इन दोनों की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इनकी परेशानियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब इनकी जान पर खतरा मंडराने लगा है। वाई के शर्मा, मथुरा, समाचार प्लस। जी हां, राहुल और निधि वो इश्कजादे हैं जिन्होंने सारे बंधन तोड़कर एक दूसरे से शादी की क्योंकि ये एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए घूमते फिर रहे हैं। दोनों हमारे